नमस्कार, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर्स की क्या ड्यूटीज है। जो ड्रग इंस्पेक्टर टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का है और इस टॉपिक के अंदर हमें 3 पॉइंट्स स्टडी करनी है। फर्स्ट वन इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, सेकंड वन इज द ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एंड थर्ड वन इज द पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। इनमें से जो क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज की वीडियो में लोग मेनली स्टडी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज हैं। तो अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज हैं। जितने भी ड्यूटीज हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स को असाइन की हुई ड्यूटीज हैं, उन सभी ड्यूटीज को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज द टू इंस्पेक्ट द प्रेमाइसेस लाइसेंस्ड टू सेल ऑफ ड्रग्स, और दूसरा हो गया टू इंस्पेक्ट द प्रेमाइसेस लाइसेंस्ड टू मैन्युफैक्चर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। मीन्स दो ग्रुप हो गए, एक हो गया सेल के लिए और दूसरा क्या हो गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमने ब्लैक बोर्ड पर उनकी जो एक्टिविटीज है, उनकी जो ड्यूटीज है, दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। ये ग्रुप हमारी है फॉर द सेल और ये ग्रुप है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज द टू इंस्पेक्ट द लाइसेंस या टू इंस्पेक्ट द प्रेमाइसेस लाइसेंस टू सेल ड्रग्स, कि जो ऐसा प्रेमाइसेस जहां पे ड्रग की सेल हो रही है और उसको उसके लिए उसके पास लाइसेंस है, वो प्रेमाइसेस होलसेल की भी हो सकती हैं या रिटेल सेल की भी हो सकती हैं। जो वहां ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं तो वो क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। हम सभी को मालूम है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स शॉप पे आते हैं और शॉप पे रिटेल सेल हो या होलसेल हो, शॉप पे आने के बाद वो शॉप की इंस्पेक्शन करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, उनके मेडिसिन को चेक करते हैं, जो फार्मासिस्ट के क्वालिफिकेशंस को चेक करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और चेक करने के बाद यदि चाहे तो ड्रग इंस्पेक्टर वहां से किसी भी ड्रग का सैंपल भी ले सकते हैं और उस सैंपल को वो एनालिसिस के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास या किसी भी गवर्नमेंट लैब में भेज सकते हैं। अब यही जो प्रोसेसिंग है, यही जो वर्किंग है हमारी ड्रग इंस्पेक्टर्स की, इन्हीं वर्किंग को हम लोग पॉइंट वाइज जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन जो वर्किंग है उसको हम लोग पॉइंट वाइज कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ड्रग इंस्पेक्टर शुड इंस्पेक्ट एट लीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर ऑल प्रेमाइसेस इन हिज स्पेसिफाइड एरिया, कि जिस एरिया में ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट है उनके एरिया के अंदर जितने भी प्रेमाइसेस हैं, जितने भी लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस हैं, वो होलसेल को हो या रिटेल सेल को हो, साल में कम से कम 2 बार उनकी इंस्पेक्शन वो जरूर करेंगे। और इंस्पेक्शन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात को चेक करेंगे, इस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो पर्सन हैं, जो लाइसेंसी हैं, वो लाइसेंसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और जो रूल्स हैं उनके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जब ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कर लेंगे, इंस्पेक्शन करने के बाद वो ड्रग इंस्पेक्टर उस डीलर से, रिटेलर हो या होलसेलर हो, उस डीलर से ड्रग का सैंपल ले सकते हैं और सैंपल लेने के बाद वो सैंपल को किसी भी गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, जो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हैं, उन लेबोरेटरी में भेज सकते हैं फॉर द टेस्टिंग एंड एनालिसिस। अब सिर्फ वो डीलर से सैंपल नहीं ले सकते, यदि सपोज करें कोई पर्सन है वो ड्रग को कन्वे कर रहा है फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर, मींस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ड्यूरिंग दिस कैरिंग, ड्यूरिंग दिस कन्वेइंग जो ड्रग इंस्पेक्टर है उस पर्सन को चेक कर सकते हैं, उस पर्सन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उनके पास जो भी ड्रग को डिलीवर कर रहा है, कैरी कर रहा है, उस ड्रग से वो सैंपल ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि सपोज करें कोई पर्सन है वो ड्रग डिलीवर कर रहा है किसी पेशेंट को, किसी हॉस्पिटल में, किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, और तो वो जो पर्सन है उस पर्सन से भी ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग का सैंपल ले सकते हैं और उसका एनालिसिस और टेस्टिंग के लिए लैब में भेज सकते हैं। तो 2 पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि टू इंस्पेक्ट ऑल लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस एट लीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। नंबर 2 क्या हो गया कि टू ऑब्टेन एंड सेंड द सैंपल्स, कहां से ऑब्टेन करेंगे, फ्रॉम द डीलर, फ्रॉम द पर्सन कैरिंग द सैंपल और फ्रॉम द पर्सन डिलीवरिंग द ड्रग टू एनी पेशेंट। अब हम लोग थर्ड पॉइंट आते हैं, यदि सपोज करें कि ड्रग इंस्पेक्टर के पास किसी ने राइटिंग में कंप्लेन कर दी कि इस एस्टेब्लिशमेंट में, इस शॉप पे या इस रिटेल सेल पे या इस होलसेल के पे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस कंडीशन में यदि वो राइटिंग में कंप्लेन है तो ड्रग इंस्पेक्टर उस कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करेंगे और चेक करेंगे क्या वो कंप्लेन सही है या गलत है और उसके अकॉर्डिंग अपना वो प्रॉपर एक्शन लेंगे जो जैसा उनको एक्ट में बताया गया है। उसके बाद हो गया कि सपोज करें कोई प्लेस है जिस प्लेस के अंदर मेडिसिन रखी हुई है, कहीं से इंफॉर्मेशन मिली कि ये प्रेमाइसिस है,
उस प्रमाइसेस के अंदर ड्रग स्टोर किया हुआ है, मेडिसिन स्टोर किया गया है, तो वो उन प्लेस पर एंटर कर सकते हैं और उन प्लेस को सर्च कर सकते हैं। यदि सपोज करें कि इस प्लेस में एंटर करना और सर्च करना है तो जो चाहे तो किसी थर्ड पर्सन का असिस्टेंस भी ले सकते हैं, उनके हेल्प से उस प्लेस के अंदर वो एंटर कर सकते हैं और वहां पे एंटर करने बाद उनका प्लेस को सर्च कर सकते हैं। सिर्फ प्लेस को ही नहीं, यदि सपोज करें कोई व्हीकल है, उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस व्हीकल में मेडिसिन कैरी की जा रही है, मेडिसिन की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो वो उस व्हीकल को भी रोक सकते हैं, वहां पर भी वो एंटर कर सकते हैं और उसको सर्च कर सकते हैं। यदि सपोज करें कहीं पर कोई वेसल्स है या कोई पर्सन है, वो पर्सन ड्रग को कैरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी उस वेसल्स को या उस पर्सन को वो रोक सकते हैं और वहां से अपना सैंपल वो ले सकते हैं। और इसके बाद क्या हो गया, यदि सपोज करें कि सैंपल को ले लिया, उन्होंने चेक किया किसी प्लेस को, किसी व्हीकल को या किसी पर्सन को, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन जो ड्रग को कैरी कर रहे हैं दैट इज अगेंस्ट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स और अगेंस्ट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उस कंडीशन में वो इन्हें ऑर्डर दे सकते हैं उस पर्सन को जो यदि प्लेस का है, जो प्लेस का जो ऑनर होगा उसको, या जो व्हीकल है उस व्हीकल का ऑनर को, या जो पर्सन है तो उस पर्सन को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इस ड्रग को डिस्पोज ऑफ नहीं करें। और मैक्सिमम जो लिमिट होगी ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से, दैट शुड नॉट मोर देन द 20 डेज। यदि ड्रग इंस्पेक्टर्स को ऐसा महसूस हो कि हम यदि इस पर्सन के पास ये ड्रग को छोड़ेंगे तो पर्सन उस ड्रग के साथ कुछ मिसहैंडलिंग कर सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उस कंडीशन में ड्रग इंस्पेक्टर को ऑथराइज्ड है कि वो उन ड्रग्स को सीज कर ले और सीज करके अपने ऑफिस में रख ले। तो ये हो गया हमारा एंटर एंड सर्च द प्लेसेस, व्हीकल, वेसल्स एंड पर्सन्स। उसके बाद हो गया कि सपोज करें कि इन सारे प्रोसेसिंग में वहां कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो इनके अगेंस्ट कोर्ट में केस डाल सकते हैं, उनके अगेंस्ट वो लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। यदि सपोज करें कोई पर्सन है वो इम्पोर्टेड ड्रग्स को, मतलब कि कोई ड्रग है जो इंडिया के अंदर नहीं बन रही है, बाहर से इम्पोर्ट होकर इंडिया में आ रही है और उनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अलाउ किया गया है, तो उस कंडीशन में इसमें लेकिन एक कंडीशन है कि यदि उनको स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ किया हो तब उस कंडीशन में ड्रग इंस्पेक्टर उस इम्पोर्टेड पैकेज को भी डिटेन कर सकते हैं, उसको सीज कर सकते हैं। इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स को फॉलो करवाने के लिए जो उन्हें फंक्शंस परफॉर्म करना है वो अपनी तरफ से समझते हैं वैसा कि जरूरत है, तो वो ऐसी ड्यूटी अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और लास्ट क्या हुआ कि जितना भी इंस्पेक्शन करेंगे उस इंस्पेक्शन का वो रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे, जो भी सैंपल भेजेंगे वो सैंपल का एक सैंपल अपने पास रखेंगे और इसका जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी सैंपल होगा या जो भी सीज किया हुआ सैंपल है उस सैंपल को अपने पास रखेंगे और अपने साथ साथ वो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उन लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे कि उनके पास ये उन्होंने इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, इस तरह से उन्होंने सैंपल लिया है, या यहाँ पे सीजे मतलब कि उन्होंने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सैंपल उन्होंने सीज किया है। तो इस तरह से उन्होंने कंक्लूड किया कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स का क्या क्या फंक्शन है, टू इंस्पेक्ट द प्रमाइसेस लाइसेंस टू सेल ड्रग्स। इसको हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं। क्विक रिव्यू क्या हो गया, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि इंस्पेक्ट ऑल प्रमाइसेस नॉट लेस देन ट्वाइस इन ए ईयर एंड एश्योर दैट रूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हैज बीन फॉलोड बाय द लाइसेंसी। नंबर टू, ही कैन ऑब्टेन एंड सेंड द ड्रग सैंपल, कहां से ऑब्टेन करेंगे तो फ्रॉम द डीलर, फ्रॉम द पर्सन कन्वेइंग द ड्रग, फ्रॉम द पर्सन डिलीवरिंग द ड्रग। उसके बाद क्या हो गया कि इफ देयर इज एनी कंप्लेन इन राइटिंग देन ड्रग इंस्पेक्टर विल इन्वेस्टिगेट दैट कंप्लेन। थर्ड पॉइंट हो गया कि ड्रग इंस्पेक्टर हिमसेल्फ और विद द असिस्टेंस ऑफ द पुलिस और एनी अदर पर्सन कैन एंटर और सर्च एनी प्लेस और एनी व्हीकल, ही कैन सर्च एनी वेसल्स, ही कैन सर्च एनी पर्सन्स। इफ ड्रग इंस्पेक्टर फाउंड दैट देयर इज सम इललीगल एक्टिविटीज देन ही कैन ऑर्डर द पर्सन्स डू नॉट डिस्पोज ऑफ द ड्रग बट द टाइम लिमिट विल बी ओनली 20 डेज। इफ ड्रग इंस्पेक्टर हैज ओपिनियन दैट इज द पर्सन विल नॉट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन इन दैट कंडीशन ड्रग इंस्पेक्टर कैन सीज द ऑल ड्रग्स कैरिंग दीज पर्सन्स और इन द वेसल्स और इन द
place or in the vehicles. And in the last one is that if there is any breach of the act, if there is any act against the act, in that condition drug inspector can institute a legal proceedings. And last, drug inspector, if authorized by the state government, he can detain the imported drug packages, and he will inform all his activities, all and maintain the, all the record, maintain all the samples, and maintain all the seized drugs, and he will also inform to the licensing authority regarding these activities. So ye humne dekha ki jo drug inspectors hain, un drug inspectors ka kya kya functions hain regarding sale of the drug. अब हम लोग आते हैं जो सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज द ड्यूटीज ऑफ सेकेंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रोवाइसेज लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स. तो वहां पर भी यही पॉइंट आ रहा है कि जो सबसे नॉट लेस देन ट्वाइस, कि कम से कम वो साल में दो बार जितने भी उनके एरिया में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएंगी, जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनको साल में कम से कम दो बार वो उसका इंस्पेक्शन करेंगे. इंस्पेक्शन करते समय वो इस बात को चेक करेंगे वहां जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, उस मैन्युफैक्चरिंग की क्या प्रोसेस है, ड्रग की जो वो स्टोरेज कर रहे हैं वो स्टोरेज किस कंडीशन में की जा रही है, जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पे है, वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट काम कर रहे हैं उन मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो क्वालिफिकेशन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अकॉर्डिंग है या नहीं है. उसके बाद यहां से भी वो ड्रग की जैसे यहां पे सारे सैंपल ले सकते हैं, तो यहां से भी ड्रग इंस्पेक्टर यहां किसी मैन्युफैक्चरिंग से सैंपल ले सकते हैं, उसके एनालिसिस या टेस्टिंग के लिए वो गवर्नमेंट लेबोरेटरी में उस सैंपल को भेज सकते हैं. जो भी वो फंक्शनिंग करेंगे उन सारी फंक्शनिंग का वो रिकॉर्ड और रजिस्टर्स को मेंटेन रखेंगे, और इनका जो भी उन्होंने वर्क किया, जो उन्होंने ड्यूटीज परफॉर्म की, उसका एक डिटेल रिपोर्ट अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, मीन्स ड्रग कंट्रोलर ऑफ द स्टेट को भेजेंगे. अब इस तरह से हमने आज कंक्लूड किया कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर्स. बहुत आसान है, ये दो ही ड्यूटीज है. नंबर वन क्या हो गया कि टू लाइसेंस द टू इंस्पेक्ट द प्रोवाइसेज लाइसेंस टू सेल, एंड दूसरा हो गया टू इंस्पेक्ट द प्रोवाइसेज लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या टू इंस्पेक्ट द प्रोवाइसेज लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स. थैंक यू वेरी मच. मैं उम्मीद करता हूँ मैं इसे समझाने में कामयाब रहूंगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वंस अगेन. और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पावर ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर्स. थैंक यू वेरी मच.